लक्सर के पथरी क्षेत्र से शिकायतें मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर हरिद्वार अनीता भारती ने पुलिस के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर्स की छापेमारी की, जिसमें मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। छापेमारी करते हुए ड्रग इंस्पेक्टर ने एक मेडिकल स्टोर पर बच्चों के द्वारा दवाई बेचते हुए संचालक को नसीहत दी और ड्रग इंस्पेक्टर को आता देख दूसरे मेडिकल स्टोर संचालक के भाग जाने पर मेडिकल को बंद कराया। यह छापेमारी दवाइयों की गुणवत्ता, लाइसेंस और बिक्री के नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि मेडिकल संचालकों द्वारा नारकोटिक दवाइयों का मिसयूज किया जा रहा है और कुछ मेडिकल स्टोर्स ऐसे हैं जिन पर बच्चों द्वारा दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पथरी क्षेत्र के नसीरपुर कला गांव में एक ऐसा मेडिकल स्टोर भी देखने को मिला जिस पर बच्चे दवाइयां बेच रहे थे, जिस मेडिकल को फिलहाल बंद कराते हुए उसे अल्टीमेटम दिया गया है कि एक बार उन्हें गलती सुधारने का मौका दिया जाता है और अगर सुधार नहीं आता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। लक्सर से अरुण कुमार की रिपोर्ट। थाना पथरी मेरे द्वारा आज पूरा पथरी क्षेत्र का दौरा किया गया, जहाँ पर कुछ शिकायतें मिली हुई थी कि मेडिकल स्टोर वालों द्वारा जो है नारकोटिक दवाइयों का मिसयूज किया जा रहा है और कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों द्वारा दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। तो आज हमारी संयुक्त टीम हमारी वहाँ पर गई और हमने वहाँ पर विजिट किया, कुछ ऐसे मेडिकल पाए गए। नसीरपुर कला में एक ऐसा ही मेडिकल देखने को मिला जहाँ पर बच्चे दवाइयाँ बेच रहे थे, तो उसे फिलहाल बंद कराते हुए और जो है उसे अल्टीमेटम दिया है कि एक बार आप अपनी जो है गलती सुधारने का तुम्हें मौका दिया जाता है, अदरवाइज लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। और दूसरा पदार्थ में एक मेडिकल स्टोर बंद कराया गया जो कि मुझे देख के भाग गया था और उसका लाइसेंस है या नहीं है वो इस बात की पुष्टि जो है थाने में बता दिया गया है करेगा।